जय जगन्नाथ। महाप्रभु उड़िया जातिर आराध्य देवता श्री जगन्नाथंकर श्री चरणारविंदरे ए सेवकर अनंत कोटि प्रणिपात। नीलाचल निवासी दारुब्रह्म श्री जगन्नाथ प्रत्येक ओडिया जातिर हृदय स्पंदन रे विराजमान करी पतित पावन यात्रा रे पतित मानंकु पावन करिबा पाई रत्न सिंहासन को परित्याग करी अवतरी आसीछंती धूली धरित्री वक्ष को। ये मानवीय यात्रा, ये मानवीय यात्रार पटांतर नाही। रक्ष जक्ष नर किन्नर देव गंधर्व समस्ते अन्निमेष नयन रे महाप्रभुंकर चका चका आखि को अपलक नेत्र रे चाही रहिछंती। गोटे मात्र आकांक्षा, मुक्तिर मार्ग को प्रशस्त करि दियो हे पतित पावन नीलाद्रीनाथ जगन्नाथ। रथयात्रार स्वतंत्र उपस्थापना को आधार करी रथयात्रा महामहोत्सवर ए प्रस्तुति रे अर्गस न्यूजर आज विशेष प्रस्तुति रे रहिछि। रथयात्रा रे श्री जगन्नाथ सिंहद्वार रु आड़प मंडप विजे। आजिकार ए उपस्थापन रे आम सहित आलोचना करिबा पाई उपस्थित अछंती श्री जगन्नाथ संस्कृति रो प्रख्यापक जने गवेषक एवं बहुविध विश्वविद्यालय रे कुलपति भाव रे कार्य करितिबा प्रोफेसर डॉक्टर हरेकृष्ण सतपथी महोदय। आज्ञा आपनकु स्वागत करूछु। आजिकार ए आलोचना प्रारंभिक पर्याय रे आमे जानिबाकु चाहिबु श्री जगन्नाथ संस्कृति रे महाप्रभुंकर ए यात्रा की काहिकी केउ उद्देश्य रे यात्रा करिछंती एवं जो सिंहद्वार को अतिक्रम करी महाप्रभु एवं चतुर्था विग्रह आसुछंती आगरे पड़ुछि अरुण चकड़ा एवं सिंहद्वार रो गुमुट भक्तजन मानंकर सहित मिसी जीवा पाई भगवानंकर व्याकुलता एवं भक्तंकर व्याकुलता या भितरे जो आनंदर समुद्र प्रवाहमान हेउछि आकु साधारण भक्त सह्य करि पारु नाही। तार दृश्य एवं सिंहद्वार रु श्री जगन्नाथंकर जो रहस्य ताकु वर्णना देबे। जय जगन्नाथ। विभिन्न पुराण रे विशेष करि स्कंद पुराण रे ए विषय रे स्पष्ट भाव रे उल्लेख करा जायछि। ये रथयात्रा काहिंकि जेतेबेले राजा इंद्रद्युम्न आसी पुरुषोत्तम क्षेत्र रे पहुंचिले सेतेबेले से जानिबाकु पाइले जे जो नीलमाधव को विश्वावसु सबर राजा विश्वावसु पूजा करुथिले से नीलमाधव अंतर्हित हो जाइछंती। से नीलगिरी उपरे तांकर मंदिर थिला एवं प्रतिदिन देवता माने स्वर्गद्वार देकरी नैवेद्य आणंती तांकर निकटकु। इंद्रद्युम्न जेतेबेले जानिले जे नीलमाधव अंतर्हित हो जाइछंती से व्यतिव्यस्त हो पड़िले। तांकर पाखरे ब्रह्मांकर पुत्र नारद थिले। से कहिले आपण व्यस्त हुवंतुनी, आपण एही स्थान रे जो स्थान रे आज गुंडीचा मंदिर अवस्थित सेठी सहस्र अश्वमेध यज्ञ करंतु एवं सहस्र अश्वमेध यज्ञ करिबा परे से निश्चित भाव रे दारु रूप रे चतुर्था मूर्ति भाव रे आविर्भूत हेबे। से नीलमाधव को आपण देखि पारिबे चतुर्था विग्रह भाव रे। एवं ताहा हैला जेतेबेले से दारुखंड भासी आसुथिले शंख चक्र गदा पद्म चिन्हित कल्पद्रुम उपरे क्षीरसागरर से ही नारायण एवं तांकर पाखरे लक्ष्मी तांकर दिव्य आयुध सुदर्शन ये समस्त सहित तले भासी आसुथिले। इंद्रद्युम्न तांकु स्वप्नरे देखिले। नारदंकु जेतेबेले स्वप्नर कथा कहिले नारद कहिले जे दश सहस्र अश्वमेध यज्ञ जो तुम्हें संपादन करिछ ताहा आज संपूर्ण फलवान होइछि सफल होइछि तेणु तुम्हें जाओ से दारू को संग्रह करिकि आण। तापरे सेठी मंदिर जो चतुर्धा मूर्ति स्वयं भगवान महाप्रभु विश्वकर्मा भाव में आविर्भूत होकरी से 15 दिन भितर चतुर्धा विग्रह को कले। तापरे ये चतुर्धा विग्रह को नहीं राजा इंद्रद्युम्न जो मंदिर निर्माण करते से मंदिर निकट को जिते गले मंदिर को प्रतिष्ठा करने मूर्ति को प्रतिष्ठा करने नारद सहित ब्रह्मलोक को जा ब्रह्मा को निमंत्रण कर आणले। मंदिर प्रतिष्ठा है चतुर्धा मूर्ति जेतेबेले रत्न सिंहासन उपरे अभिषिक्त हेले इंद्रद्युम्न प्रार्थना करुचंती एवं कहुचंती प्रभु मु आउ आपणकर कौन सेवा करी पारे। ब्रह्मा को जेतेबेले पचारुचंती ब्रह्मा कहिले मु कहिबे नाही सेही निजे स्वयं महाप्रभु तुमको कहिबे तुमे कौन कौन करिब। जेतेबेले स्वयं महाप्रभु कंद पुराण रे लिखा हिची जे प्रतिमा भाव रे आविर्भूत हो गले एवं इंद्रद्युम्न को कहिले कहिले तुम्हें मोर जो 12 मासे जो 12टी यात्रा करिब से यात्रा भितर 2टे प्रसिद्ध यात्रा गोटिया होची स्नान यात्रा ज्येष्ठ मास पूर्णिमा
अवसर एवं द्वितीय टी हूँ रथजात्रा आपको तुम्हें निश्चित कर ना एवं ये जो से प्रतिश्रुति के इंद्रद्युम्न से संपूर्ण भाव निश्चित भाव ये पालन करी आपण आदेश को आज क्यों कालर आज सत्य जुगर मध्य से रथजात्रा हो आसुची कारण रथर कथा आमर वेदरे वर्णना करा जाई उपनिषद वर्णना करा जाई विभिन्न शास्त्र रामायण वर्णना करा जाई महाभारत वर्णना करा जाई तेणु बहु कालर ये रथजात्रा आसुची एवं द्वितीय कथा जो कहले ये रथजात्रा होउची जे रथजात्रा समय रे भगवान एथिपाई से कहले दुईटी जात्रा उपरे से गुरुत्व देइतिले जे भगवान स्वविग्रह रे स्वस्वरूप रे मूल विग्रह तांकर आसी थाए स्नान मंडप को एवं आसी थांती रथ उपर को से आसी थांती भक्त मान को दर्शन दबा पाई कारण जगन्नाथ होचंती सर्वधर्म समन्वयर प्रतीक आबाल वृद्ध वनिता जाति धर्म वर्ण निर्विशेष समस्त को सी कलाग्रत करती सी हूं विश्व भ्रातृत्वर प्रतीक तेणु से जो यात्रा करती आम कही था पतित पावन यात्रा जे जो माने अवहेलित जो माने दुखित जो माने आध्यात्मिक आदि भौतिक एवं आदि आध्यात्मिक दुखरे जो माने संपूर्ण भाव पीड़ित से मानक आनंद दवापाई मत भक्तानां विनोदार्थम करोमि विविधा क्रिया ये हूँ जहाँ आपण कहले ये गोटे हूँ मानुष लीला एवं भगवान हूँ पुरुषोत्तम अतोस्मि लोके वेदे च प्रतित पुरुषोत्तम से आज रथ उपर आरोहण कर समस्त पतित मानक आशीर्वाद करने आपको घोष यात्रा कह जाए जो आवाज करी से आसती नंदी घोष रथरे महाप्रभु तालध्वज रथरे आसी था बलभद्र एवं दर्प दलन रथरे आसी था माँ जगज्जननी सुभद्रा से बेले से जो घोष आसे से घोष हूँ शांतिर घोष शांतिर आवाज मैत्रीर आवाज भाईचारार आवाज कारण ओडिशा भारत बर्षरे जिते मंदिर अच्छी पृथ्वी जिते मंदिर अच्छी जो चारिधाम रही ता भितर केवल पुरुषोत्तम धाम जहाँ कहले रत्न सिंहासन उपरे महाप्रभु जगन्नाथ तांकर बड़ भाई एवं भौणी सहित सुभद्रा सहित रहीकि समग्र पृथ्वी को से जगतर नाथ पृथ्वी को गोटे बार्ता दौंस विश्व भ्रातृत्वर बार्ता तेणु आज जो से रत्न सिंहासन छाड़ी आप कहले सात पहाच जो सप्तर्षि मैंने वंदापना करियादि सप्त ऋषय समुपास्य संध्याम ध्यान करी बसी जगन्नाथ आसुचंती बलभद्र आसुचंती सुभद्रा आसुचंती सात पहाच परे पुणी बाईस पहाच को आसुचंती कहा जाए विभिन्न धर्म रे बाईस शब्दर बाईस मुनि ऋषि तीर्थंकर एमानंकर महत्व रही आसुचंती गुमुटा देकरी सिंह द्वार दे सिंह हूँ से नरसिंह रूप तांकर आदि रूप हूँ नरसिंह नमई नृसिंह चरण अनादि परम कारण एवं जत इंद्रद्युम्न आसी प्रथम जतेबले से दशा सहस्र अश्वमेध यज्ञ आरंभ कले से भगवान नृसिंह रूप से आविर्भूत होते खूब सुंदर भाव से नृसिंह को वंदापना करिचंती स्तुति करिचंती उपासना करिचंती नारद से नृसिंह मूर्ति को आनी मंदिर तैयारी वर्तमान गुंडीचा मंदिर निकट नृसिंह मंदिर रही तेणु सिंह सिंह विवेकानंद कहते आम से ही शिक्षा चाहूँ से ही दीक्षा चाहूँ जहाँफल कि प्रत्येक मनीष प्रत्येक छात्र प्रत्येक स्नातक मनरे शत सिंहर बल जाग्रत हो उठ तेणु आज जी आसुच्च रथजात्रार अन्य नाम हूँ विजय जात्रा रथजात्रार विजय माने आज हूँ जे जो विजय सत्य असत्य उपरे सत्यर विजय अधर्म उपरे धर्मर विजय तेणु आज से शत सिंह धारण करी कलिंगर ऐतिह हूँ कलिंगा साहसिका कलिंग हूँ वीर ये हूँ एक वीर जाति एक सुर जाति एवं एमाने प्रति क्षेत्र रे शत्रु को कड़ा भाव में मुकाबला करी ये ओडिशार कलिंगर गौरव रक्षा करी रखा चाहिए जे महाप्रभु जेतेबेले रत्न सिंहासन को त्याग करी धूलि धरित्री वक्ष को आसवापी अवतरी आसुचंती राघव दास मठर प्रदत्त टाहिया को मथामंडन करिछंती गुमुट को भेद करी आसुचंती घंट घंटार गुरुगंभीर तान प्रकंपित करुछि पृथ्वी वक्ष को एवं चारोटी द्वार रही महाप्रभुंकर पूर्व द्वार पश्चिम द्वार उत्तर द्वार एवं दक्षिण द्वार
किंतु ये चारोटी द्वार मध्यरे पूर्व द्वार को काहिंकि आपणार बोली विचार करी महाप्रभु पश्चिम द्वार पटे बाहर लेनी कि उत्तर द्वार पटे रथदाण्ड को बाहर लेनी कि दक्षिण द्वार पटे बाहरी नहांती किंतु सिंहद्वार पटरे काहिंकि बाहरी चंती एवं सिंहद्वार अग्रभागरे तीनोटी रथ दंडायमान होईछि सिंहद्वार विशेषत महत्व कौन एवं सिंहद्वार जो महाप्रभु आसुचंती से सतसिंहर बल को धारण कर आसुचंती धर्म अर्थ काम मुख्य को प्रदान करने सते जेपरी लोटी पड़ुची अनेक सतसूर्य चंद्रर रश्मि ए पृथ्वी मंडल ए सिंहद्वार द्वारटी सिंह एवं जगन्नाथ हेले सिंहपम ठाणी तांकर गति मध्य सिंहावलोकन ठाणी या भितरे सिंह शब्दटी एवं द्वार संपर्क आपण मान आपण टिके व्याख्या करिवे देखंतु बो आपण को सूचना दउथिली जे जों चारि द्वार रहिची सिंह द्वार व्याघ्र द्वार हस्ती द्वार अश्व द्वार एवं ता भितरु पूर्व द्वार शास्त्रीय दृष्टि रु वास्तुशास्त्र दृष्टि रु ता बहुत गुरुत्वपूर्ण ए चारोटी द्वार को चारि वेदर सहित संपृक्त करा जाय थाए ऋग जजु साम एवं अथर्व एवं सिंहद्वार को ऋग्वेद सहित संपृक्त करा जाय थाए एवं सिंह जो कथा आपण को मुझे सूचना देउथिली भगवान जो मानवीय अवतार प्रथम मानवीय अवतार ता पूर्वरु से मत्स्य अवतार थिले वराह अवतार थिले कच्छप अवतार थिले किंतु प्रथम जितेबले मानव अवतार को आसिले सेतेबले अधा होउचंती पशु एवं अधा होउचंती मनीष से हेले नर सिंह एवं से जो सिंह निजे स्वयं पुरुष एवं सिंह ये समग्र संसार हेउची पशुपक्षी मानकर मध्य ये संसार मनीष मानकर मध्य ये संसार प्रकृति रे केवल भारसाम्य रहिब एथिपाई सिंह होउचंती पशु मानकर राजा सी सत सी होउचंती बलियान सी होउचंती तेजियान जहाँ आपण को मु सूचना देउथिली कलिंगा साहसिका ओडिशार प्राणर देवता राष्ट्रर देवता होउचंती महाप्रभु जगन्नाथ एवं से भावर देवता आज जो रथजात्रा पाई जाउचंती मु जो दुईटे कारण आपण को कहली आउ गोटे कारण जेतेबेले चतुर्धा मूर्ति आविर्भाव हला नृसिंह क्षेत्र रे जन्मवेदी रे महावेदी रे आकु यज्ञ वेदी कुआ जाय महावेदी कुआ जाय जन्मवेदी कुआ जाय जनक वेदी कुआ जाय आविर्भाव हेथिला आविर्भाव ए विषय रे मते मु टिके सूचना दे दबा पाई चाहूची जन्म कोन तांकर से तो अजन्मा तांकर पुणी यात्रा कोन से तो सब किछु किंतु से लीला करूचंती जन्म भली निज को सी प्रतिभात करूचंती जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं जो व्यक्ति तत्वतः से जन्म आमे जमती जन्म नौचु से भली जन्म नुहे आमे जमती कर्म करूचु से भली कर्म नुहे से एभली जन्म नौचंती जे समस्त को से कही दउचंती जे मु ये प्रकृति को आश्रय करी ये समग्र जगतर मंगल करिबा पाई कल्याण विधान करिबा पाई मु ए कार्य करूची ए संपादन करूची तेणु सेतिके बेले जे राजा इंद्रदुम्नंकर महाराणी होउचंती गुंडीचा से होउचंती तांकर जननी सेतिके बेले से जेतेबेले पुणी आसिले कर्म मंदिर तांकर श्री मंदिर को ब्रह्मा जहाँ को प्रतिष्ठा करिबा अपेक्षा करिथिले प्रतिष्ठा कले सेतिके बेले से खांदिकरी कहिथिले जे तुम्हें जाऊछ मोर घर छाड़िकरी जो गुंडीचा आज कहुची इंद्रदुम्नंकर पत्नी नाम मध्य गुंडीचा केतक पुराण रे यहाँ लिखा जा तेणु से कहते जे तुम्हें चाहूच जितेबले चारिजर पुत्र को देखिकी नयन जुगलू धारधार अश्रु बही आसला से कही महाप्रभु माँ मु आम जाचु जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि घरी असी तुम कथा को तुम मनरे आनंद देवाई तुम आशीर्वाद नापाई आम कर्म क्षेत्र में रहीबु सत कितु वर्ष को थे निश्चित आसबू तेणु आज हूँ ये जो जात्रा तांकर से प्रतिश्रुति रक्षा करी जननीर आशीर्वाद नवापी जननीर मनरे आज आनंद उत्साह उद्दीपना देवाई एवं ता सहित लक्ष लक्ष भक्त को आज तांकर लीला माध्यम आनंद देवाई तांकर समस्त जन्म जन्मांतर कलमश को आज प्रक्षालन करने प्रभु आज सतसिंहर बल नहीं सिंहद्वार माध्यम से ऋग्वेदर पाठ जो ऋग्वेदर पाठ करी श्रोत्रिय ब्राह्मण माने आज रथ मंडप उपरे रथत्रयर प्रतिष्ठा करिचंती आपण जहाँ कहते वर्तमान तीन गोटी रथ सुसज्जित होकर रही नवापाई रमंते जोगी नह अस्मिन इति रथ
ଭକ୍ତଟିଏ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅପଲକ ନେତ୍ର ତା ଭିତରେ ଏଭଳି ଭାବରେ ଉନ୍ମାଦନା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ସେ ବେଦ ଜାଣିନି କି ବେଦାନ୍ତ ଜାଣିନି, ଉପନିଷଦ ଜାଣିନି, ଗୀତାର ଅର୍ଥକୁ ବୁଝିନି, ଶ୍ଳୋକ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି ଶିଖିନି। କେବଳ ତା ଆଖିର ଦୁଇ ଟୋପା ଅଶ୍ରୁ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଉପରେ ପଡ଼ିଯିବା କ୍ଷଣି ତାର ଶରୀର କାହିଁକି କେଜାଣି ଉନ୍ମାଦିତ ହୋଇଯାଉଛି, ଆଉ ସେ କିଛି ମଧ୍ୟ ଜାଣୁନି। ଲକ୍ଷେ ଜଳଧୀର ଜଳରେ ନତିନ୍ତେ ଜାର ମହାକଳେବର, ସାମାନ୍ୟ ଭକ୍ତର ଦୁଇ ଟୋପା ନୁହେଁ ଉଦା ହୁଏ ସରସର। ଦୁଇ ଟୋପା ଆଖିର ଅଶ୍ରୁରେ ଭକ୍ତର ପ୍ରତିଟି ରୋମକପି ଅପୂର୍ବ ଭାବରେ ଉନ୍ମାଦିତ ହୋଇଯାଉଛି। ସିଂହଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ତିନୋଟି ରଥ, ଏ ତିନୋଟି ରଥ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର ତାଳଧ୍ୱଜ ରଥ, ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ଦର୍ପଦଳନ ରଥ ଏବଂ ଜଗନ୍ମୋହନ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ। ତିନୋଟି ରଥରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ବିଗ୍ରହ ଅବସ୍ଥାନ କରିବେ ଏବଂ ରାଣୀ ଗୁଣ୍ଡିଚାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ ବୋଲି ଏହାର ନାମ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା, ପତିତ ପାବନ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ ବୋଲି ଏହାର ନାମ ପତିତ ପାବନ ଯାତ୍ରା ଏବଂ ଦଶ ଦିନର ଉତ୍ସବ ବୋଲି ଏହାର ନାମ ଦଶାବତାର ଯାତ୍ରା। ତେବେ ପତିତ ପାବନ ଯାତ୍ରା ହେଉ କିମ୍ବା ଦଶାବତାର ଯାତ୍ରା ହେଉ କିମ୍ବା ଏ ଯାତ୍ରାର ଦଶ ଦଶଟି ନାମ ଥାଉ, ତେବେ ଏ ରଥ ଉପରେ ବସି ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ରାଷ୍ଟ୍ର ଦେବତା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମନ୍ଦିରରେ ଦେଖାଯାଉନଥିଲା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଇଭଳି ଏକ ପ୍ରଥା ପ୍ରଚଳନ କାହିଁକି ଯେ ରଥ ଉପରେ ବସି ଜଣେ ଦାରୁ ବିଗ୍ରହ 3 କିଲୋମିଟରକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ନବଦିନାତ୍ମକ ଯାତ୍ରା କରି ଗୁଣ୍ଡିଚା ମଣ୍ଡପରେ ରହି ପୁନର୍ବାର ଫେରିବେ, ଏହାର ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀଟି କ'ଣ ଏବଂ କ'ଣ ଏହାର ରହସ୍ୟ ରହିଛି ପ୍ରଫେସର ଶତପଥୀ? ଦେଖନ୍ତୁ, ରଥେ ତୁ ବାମନମ୍ ଦୃଷ୍ଟ୍ୱା ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନ ବିଦ୍ୟତେ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଶଙ୍କର କହିଛନ୍ତି, ପୁନରପି ଜନନମ୍ ପୁନରପି ମରଣମ୍ ପୁନରପି ଜନନୀ ଜଠରେ ଚୟନମ୍ ଇତି ଯଦି ସଂସାରେ ସ୍ଫୁଟତର ଦୋଷ କଥମୀୟ ମାନବ ତବ ସନ୍ତୋଷ। ତେଣୁ ମଣିଷ ଚାହେଁ, ଚିର ଶାନ୍ତି ଚାହେଁ, ଚିର ଆନନ୍ଦ ଚାହେଁ, ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଜର୍ଜରିତ ହୋଇ ଏ ଭବସାଗରରେ ସେ ସନ୍ତୁଳିତ ହେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ନାହିଁ। ଭବ ଦାବାଗ୍ନିରେ ସବୁବେଳେ ଦଗ୍ଧୀଭୂତ ହେବା ପାଇଁ ସେ ଚାହେଁ ନାହିଁ, ସେ ଚାହେଁ ଆନନ୍ଦ। ଏବଂ ସେଇ ଆନନ୍ଦ ଯିଏ ପରମାନନ୍ଦର ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଉତ୍ସ ଭଗବାନ ଗୋବିନ୍ଦ, ସେ ଗୋବିନ୍ଦ ଆଜି ବାହାରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଭକ୍ତର କଥା ଆପଣ କହୁଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଏହାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଗୀତାରେ କହିଦେଇଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନ ବିଶ୍ୱରୂପକୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିଲେ, ସେ ବିଶ୍ୱରୂପକୁ ସମସ୍ତେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିନାହାନ୍ତି। ଦେବାପ୍ୟ ବିଶ୍ୱରୂପସ୍ୟ ଦର୍ଶନ କାଙ୍କ୍ଷିଣ, ଦେବତାମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହି ବିଶ୍ୱରୂପକୁ ଆକାଂକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି ଟିକେ ଦେଖିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସେ ସୌଭାଗ୍ୟ ପାଇନଥାନ୍ତି। ଅର୍ଜୁନ, ତୁମେ ଆଜି ଯେଉଁ ଏହି ସୌଭାଗ୍ୟ ପାଇଲ, ମୋର ବିଶ୍ୱରୂପ ଦେଖିଲ, ପଶ୍ୟାମି ଦେବାନ୍ ତବ ଦେବ ଦେହେ ସର୍ବାନ୍ ତଥା ଭୂତ ବିଶେଷ ସଂଜ୍ଞାନ୍ ବ୍ରହ୍ମାଣ ମୀଶମ୍ କମଳାସନସ୍ତମ୍ ଋଷିଂଚ ସର୍ବାନୁରଗାଂଶ ଦେବ୍ୟାନ୍। ଇଏ କ'ଣ ତୁମର ବେଦ ଜ୍ଞାନ ଥିଲା ବୋଲିକିରି ମୁଁ ଦେଖେଇଲି, ତୁମେ ତପସ୍ୟା କରିଥିଲ ବୋଲିକିରି ମୁଁ ଏ ବିଶ୍ୱରୂପ ଦେଖେଇଲି, ତୁମେ ଯେଉଁ ଜାଗ କରିଛ ଯଜ୍ଞ କରିଛ ଦେଖେଇଲି। ନା ନା ହମ୍ ବେଦୈରି ନ ତପସା ନ ଜ୍ଞାନେ ନ ଚେଜୟା ଶକ୍ୟ ଏବଂ ବିଧମ୍ ଦ୍ରଷ୍ଟୁମ୍ ଦୃଷ୍ଟଭାନ ସୀମାମ୍ ଯଥା। ତାହେଲେ କାହିଁ ଦେଖେଇଲି? ନା ଭକ୍ତ୍ୟାତ୍ମନନ୍ୟା ଶକ୍ୟ ଅହମ୍ ଏବଂ ବିଧୋର୍ଜୁନ ଜ୍ଞାତୁମ୍ ଦ୍ରଷ୍ଟୁମ୍ ଚ ତତ୍ତ୍ୱେନ ପ୍ରବେଷ୍ଟୁମ୍ ଚ ପରନ୍ତପ। ହେ ପରନ୍ତପ, ହେ ପାର୍ଥ ଧନୁର୍ଦ୍ଧର, ତୁମର ଯେଉଁ ଅପ୍ରତିମ ଭକ୍ତି, ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପିତ ହୋଇଗଲ ମୋ ନିକଟରେ, ଦୁଇ ବାହାକୁ ଟେକି ଦେଇକିରି ସର୍ବଧର୍ମାନ୍ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ ମାମେକମ୍ ଶରଣମ୍ ବ୍ରଜ ଅହମ୍ ତ୍ୱାମ୍ ସର୍ବ ପାପେଭ୍ୟଃ ମୋକ୍ଷୟିଷ୍ୟାମି ମା ଶୁଚ। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱରୂପ ଦେଖେଇଲି, ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ ନଥାନ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱରେ, ନଥାନ୍ତି ତଥ୍ୟରେ, ନଥାନ୍ତି ଜ୍ଞାନରେ, ନଥାନ୍ତି ବିଜ୍ଞାନରେ, ସେ ଅତି ବିଜ୍ଞାନ, ସେ ଅତି ଜ୍ଞାନ, ତାହାନ୍ତି କେବଳ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦରେ, ସେ ଭାବର ଦେବତା, ଭକ୍ତିର ଦେବତା। ସୁସଜ୍ଜିତ ରଥତ୍ରୟରେ ବିରାଜମାନ କରି ମହାପ୍ରଭୁ ସିଂହଦ୍ୱାରରୁ ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପ ଅଭିମୁଖରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଆଜି ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଭକ୍ତ, ସମସ୍ତେ ଆଜି ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ସମାନ। ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଉତ୍କଳର ଗଜପତି ନରପତି, ସେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସେବକ ଭାବରେ ଛେରାପହଁରା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଆଜି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଅଦ୍ୱୈତବାଦର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ, ସେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରି ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି। ଗଜପତି ମହାରାଜ ମଧ୍ୟ ନିଉଛାଳି କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି, ସବୁ ଭକ୍ତମାନେ ଦୁଇ ପଟେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ଖାଲି ଭକ୍ତ ନୁହନ୍ତି, ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆସିଥିବା 33 କୋଟି ଦେବତା,
यक्ष रक्ष गंधर्व किन्नर एवं अप्सरा माने अदृश्य भाव में नृत्य करुचंती पुष्पांजलि प्रदान करुचंती हरिबोल हुलहुली दौंती समस्त भक्त भगवान आज एकाकार हो जाती प्रशस्त बड़दाण्डे राजनर अतिक्रांत करुचंती अतिक्रांत करुचंती चैतन्य गौड़ीय मठ एवं प्रथमे जत आसुचंती शंकराचार्य से रामानुजंकर जो एम आर मठ से पाटे जिते मठ रही सब पंक्ति भोग दौंती पंक्ति भोग को आस्वादन कर किसी समय पर देखुंट आसुचंती भक्त सालबेग सी होती जाति धर्म वर्ण निर्विशेष समस्त देवता से जो सालबेग जी होती जड़े जवन भक्त जे नीलशैल जो मत बारण आसुचे से रही प्रणाम करुले समाधिपीठ आसुची से जगन्नाथ किसी समय रखिए तापर आसुचर जिते प्रकार जगन्नाथ बल्लभ जी हूँ प्रमोद उद्यान जो सी बुलती आनंद बुलती आसुचर मौसी माँ जहाँ को अर्धासीनी बिलिकी कह जाए जोबले पूरी प्रलय बुड़ी जाऊ था से सब जल को सी शोषण करके जाती जा आनंद भक्त मान गहन हरिबोल हुलहुली शब्द से जय जय नाद भक्त मान गहन भक्त मैंने टाणी नहीं जाऊँच स्वयं जाऊँगी आज से रासलीला करुंटे रासलीला हूँ शरत रासलीला नुहे ये बसंत रासलीला नुहे ये हूँ आषाढ़ रासलीला सी जाऊँगी हूँ भौम वृंदावन रु गुप्त वृंदावन को आड़प मंडप हूँ गुप्त वृंदावन से ही गुप्त वृंदावन रे आड़प मंडरे बे विराजमान करिकिरी से नवदिन व्यापी यात्रा रे जाई सात दिन सेठी से अद्भुत लीला प्रदर्शन करिवे जो लीला को दर्शन कले भक्त मानंकर अशेष अशेष पुण्य होइथाय तांका मनरे अनेक औत्साह उद्दीपना आनंद एवं उन्मादना सृष्टि ई जो मानवीय लीलार पटांतर नाही जो महाप्रभु श्री जगन्नाथ पतित जन को उद्धार करिबा पई चका चका आखि मेली कालिया कला शांत महाप्रभु रत्न खचित सिंहासन को त्याग करी बड़दाण्ड उपरे उभा होइ जांती लक्षे जनतार अभिवादन को ग्रहण करंती स्नान श्री गुंडी चावेनी स्वयं लीला जार पतित पावन अर्थे प्रासादु बाहार जे कवि सम्राट उपेन्द्र भंज सुंदर भाव में व्याख्या करिसंती दुईट यात्रा जो कथा प्रोफेसर शतपथी महोदय आज आलोचना करुले स्नान यात्रा एवं रथ यात्रा या व्यतिरके दोल यात्रार कथा मध्य प्रसंगायित रही प्रशस्त रथ यात्रार अवलंबन दोलेश्च दोले गोविंद चापेश मधुसूदन रथेत वामन दृष्ट्वा पुनर्जन्म न लभ्यते दोलरे दोल गोविंद को दर्शन कले चापरे मधुसूदन को दर्शन कले एवं नंदी घोष रथ उपरे कला बामन को दर्शन कले जीवन मुक्तिर मार्ग प्रशस्त हो जा कला बामन स्वरूप रूप को आविर्भाव करी बसी महाप्रभु गुंडीचा मंदिर को विराजमान करुछंती ये परम पावन रथ यात्रा गुंडीचा नामे मो यात्रा परम पावनी रथ यात्रा नामे ख्यात हेब ए अवनी गुंडीचा मार आलिंगन को मातृत्व को अंगीकार करी महाप्रभु मातृत्व को अंगीकार करी कर्मभूमि आकर्षण को त्याग करी लक्ष्मी षाठी पौटी रंधन को त्याग करी धूली धरित्री वक्ष को मार आकर्षण रे अनुबंधित होगापी गोपिका मानंक निकट रे रास रचना करने रास विहारी अवतरी आसुचंती जन्मभूमि को आजिकार ए उत्सव ए अध्याय समय सरवाक आमको घंटी निर्देश देला आजिकार ए कार्यक्रम को सारा पूर्व महाप्रभुंकर विश्व मैत्री साम्य मैत्रीर ए प्रतीक मंत्र उद्घोषण करुवा पवित्र बड़दाण्ड को समस्ते आसतु कालिया कला शांत मुखरे त्रिभंगी छंदे उभा हुई टीके अपलक नेत्र को ढाली दिंतु एवं आजिकार स्वतंत्र उपस्थापना रथजात्रा महोत्सव एक सुंदर प्रस्तुति में सिंहद्वार आड़प मंडप यही कथा कुछ रखी महाप्रभु अवतरी आसी रथ को प्रशस्त बड़दाण्डर जीवे 3 किलोमीटर अतिक्रम करी आड़प मंडप विजय करिवे रथदाण्ड उपरे केऊ केऊ पीठ रही
श्रीनगर रही सालबेगर समाधिपीठ रही विभिन्न मठ रही पंतीभोग देवाई सेवक मैंने अच्छा एक कथा आगामी अध्याय जाणी आजिकार कार्यक्रम को ये सांकरीबा पूर्व आलोचन जोगदे प्रोफेसर डॉक्टर हरेकृष्ण शतपथी महोदय को अनेक धन्यवाद कृतज्ञता ज्ञापन कर रोचु आगामी अध्याय को स्वागत करी। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ।